गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए यहाँ पर आज हम लोग एक्सरसाइज जो है 2.1 देखने जा रहे हैं। क्लास टेंथ का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल जो है, इसमें हम लोग 2.1 एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। देखें यहाँ पर क्वेश्चन जो हमें गिवन है कि ये क्वेश्चन जो है हमें ग्राफ वाले हैं, इन ग्राफ वाले क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें यहाँ पर जो ग्राफ है हमारा, जो ये ग्राफ है एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड निगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पर जो है देखें कि द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स, जहाँ पर पी एक्स, पी एक्स क्या है कि जहाँ जहाँ पर x की जहाँ ये वैल्यू जो कट करेगा वहाँ वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यहाँ कहाँ कहाँ पर जो है वैल्यू जो ये ग्राफ कट कर रहा है। तो द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन द फॉलोइंग फिगर इन सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स ईच केस। ना ईच केस में क्या बताना है हमको कि नंबर ऑफ जीरोस बताना है और कितने कितने पॉइंट पर कट कर रहा है इसके बारे में बताना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमें फर्स्ट गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आप ग्राफ देख रहे हैं। ग्राफ हमारा ये है, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव का है, ये वाई एक्सिस नेगेटिव का है। अब इसमें देखो ये जो लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रही है ये हमें देखना है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को जो है एक भी जगह पर कट नहीं कर रही है। जब एक भी जगह पर कट नहीं कर रही है तो ये आपको लाइन में एक आंसर लिखना होगा, द नंबर ऑफ जीरोस इज, द नंबर ऑफ जीरोस इज कितनी जगह कट कर रही है, एक भी जगह नहीं, मतलब जीरो। नंबर ऑफ जीरोस इज जीरो एज द ग्राफ इंटरसेक्ट की जगह पर आप एक पॉइंट लिख लोगे, क्या लिख लोगे, डज नॉट कट, क्या हो जाएगा, डज नॉट कट। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इंटरसेक्ट की जगह पर क्या लिख लेंगे, एक पॉइंट लिख लेंगे डज नॉट कट, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, द एक्स एक्सिस ओनली, फिर क्या हो जाएगा, जीरो पॉइंट। कितने पॉइंट हैं, जीरो पॉइंट, मतलब एक भी जगह पर कट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हमारा ये आंसर आ जाएगा कि ये एक्स एक्सिस को ये वाली लाइन जो है वो एक भी जगह कट नहीं कर रही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर आते हैं इसी तरह से। तो सेकेंड में भी हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड निगेटिव वाई एक्सिस, ये हमको गिवन है। अब इसके बाद हम लोग लाइन देखेंगे कि लाइन कितनी जगह पर एक्स एक्सिस को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये लाइन जो है केवल एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर, वन जगह पर, ठीक है, वन जगह यहाँ पर क्या कर रही है, कट कर रही है, केवल वन, ठीक है, एक्स एक्सिस को वन पॉइंट पर क्या कर रही है, कट कर रही है। अब ये केवल वन पॉइंट पर कट कर रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ जीरोस, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ जीरोस इज वन, कितना हो जाएगा, यहाँ पर कट कर रही है केवल वन, केवल वन पॉइंट पर कट कर रही है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इज वन एज द ग्राफ। अब इसके बाद आगे यहाँ से देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरसेक्ट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वन एज द ग्राफ इज इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस ओनली वन पॉइंट, कितने पॉइंट पर कट कर रही है, केवल वन पॉइंट पर। तो यहाँ पर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड का आंसर हो जाएगा द नंबर ऑफ जीरोस इज वन एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट। फिर इसके बाद जिसे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दिया हुआ है यहाँ पर, थर्ड का जो ग्राफ है, इस थर्ड के ग्राफ में देख लो सेम प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव। अब इसमें करना हमें ये है कि देखना है ये वाली लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कितनी कितनी जगह पर कट कर रही है। तो हमने यहाँ पर देखा एक जगह, एक यहाँ पर पॉइंट कट कर रहा है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, कितनी पॉइंट पर कट कर रहा है, थ्री पॉइंट पर। जब थ्री पॉइंट पर कट कर रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ जीरोज इज थ्री, द नंबर ऑफ जीरोज इज थ्री, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए है कि द नंबर ऑफ जीरोज इज थ्री, कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो रहे हैं, थ्री हो रहे हैं। द हाँ फिर इसके बाद है एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस ओनली थ्री पॉइंट, कितने पॉइंट पर कट कर रही है, केवल थ्री पॉइंट पर जो है ये लाइन जो है वो कट कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर जो आ जाएगा वन टू थ्री, थ्री आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देख लें जरा,
ये हमें ग्राफ गिवन है, ये ग्राफ गिवन है। अब इस ग्राफ में ये है एक्स एक्सेस पॉजिटिव का, ये एक्स एक्सेस है निगेटिव का, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब करना क्या है कि ये एक्स एक्स वाली लाइन जो है वो किस जगह पर कट कर रही है इसको देखना है। तो सबसे पहले आप देखो जरा, यहाँ पर एक लाइन ये पॉइंट और एक पॉइंट ये, दो पॉइंट पर क्या कर रही है ये लाइन जो है हमको यहाँ पर एक्स एक्सेस पर टू पॉइंट पर क्या कर रही है, कट कर रही है। जब टू पॉइंट पर कट कर रही है तो द नंबर ऑफ जीरोस इज टू, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे टू, एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस एट ओनली टू पॉइंट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर टू पॉइंट पर क्या हो रही है, कट कर रही है। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अगर हमें बात करें तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो लाइन है ठीक है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में, तो यहाँ पर जो लाइन है वो कितनी जगह पर कट कर रही है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर वन और ये क्या हो जाएगा टू और ये थ्री और ये फोर, तो ये लाइन जो है यहाँ पर कितनी जगह पर, फोर पार्ट पर क्या कर रही है, फोर जगह जो है लाइन ये कट कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ जीरोज इज फोर, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे फोर हो जाएंगे। द ग्राफ इंटरसेक्ट एट द एक्स एक्सेस ओनली फोर पॉइंट, यहाँ कितने पॉइंट पर, फोर पॉइंट पर कट कर रही है, तो आंसर कितना आ जाएगा फोर आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जैसे फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव जो है, क्वेश्चन नंबर फोर हो गया, फाइव हो गया, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो है सिक्स देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, क्वेश्चन नंबर देखो सिक्स हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स ये है कि एक्स एक्सेस एक्स ये निगेटिव, वाई एक्सेस पॉजिटिव वाई निगेटिव। अब यहाँ पर लाइन जो है कितनी जगह पर कट कर रही है, तो एक जगह पर यहाँ क्या कट कर रही है, और यहाँ पर कट नहीं कर रही है, यहाँ पर क्या कर रही है टच कर रही है, यहाँ पर भी टच कर रही है, मतलब यहाँ पर कट नहीं कर रही है ओनली थ्री पॉइंट्स पर, है ना, थ्री पॉइंट्स पर क्या है यहाँ पर लाइन जो है वो इंटरसेक्ट पर कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ जीरोज इज थ्री, अब एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओनली थ्री पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये थ्री पॉइंट पर, ठीक है, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये वन जगह क्या हो रही है कट हो रही है। तो यहाँ पर थ्री जो है वो हमारा आंसर आ गया। तो एक्सरसाइज 2.1 यहाँ से जो है कंप्लीट हो गई है। इसी के आगे एक्सरसाइज 2.2 के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है उसको आप देखें। तब तक के लिए जुड़े रहिए मनीष किंगुनिया चैनल से, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, जिससे कि मेरी लगातार अपडेटेड वीडियो आपके पास 9th, 10th, 11th, 12th और IIT JEE मैथ प्लस इसके बाद अदर जितने भी टीचर यहाँ पर पढ़ाते हैं उन सभी की लगातार वीडियो जो है आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए मनीष किंगुनिया चैनल से।